कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तेनाली राम के किस्से, जिसका शीर्षक है मालिक कौन। एक दिन तेनाली राम मिठाई खरीदने बाजार गया। मिठाई की दुकान के बाहर अनेकों आवारा कुत्ते जमघट लगाए बैठे थे। जो भी मिठाई खरीदने आता उन्हें मिठाई के एक दो टुकड़े डाल जाता। तेनाली रामा को जानवरों से बहुत प्यार था। उन कुत्तों के पास से गुजरते हुए उसने एक कुत्ते के सर पर हाथ फेरा तो वह पूंछ हिलाता हुआ तेनाली के पीछे चल दिया। तेनाली रामा बिना ध्यान दिए मिठाई की दुकान में चला गया। उस कुत्ते को लगा कि तेनाली उसे साथ ले चलेगा तो वह भी उसके पीछे मिठाई की दुकान में घुस गया। उसी समय दुकान का मालिक कुछ सामान खरीद कर वापस लौट रहा था। उसने तेनाली के पीछे इस गंदे कुत्ते को दुकान में घुसते देखा तो आग बबूला हो गया। वह चिल्लाकर तेनाली रामा से बोला, ओ तेनाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे सड़क के कुत्ते को लेकर मेरी दुकान में घुसने की? इसे अभी इसी वक्त यहाँ से भगाओ। दुकानदार की ऐसी तीखी बात सुनकर तेनाली राम सन रह गए और गुस्से से पलट कर बोला, तुम्हें किसने कहा कि यह मेरा कुत्ता है? यह तो कोई आवारा कुत्ता है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। परंतु दुकानदार को यकीन नहीं हुआ। वह फिर बोला, तेनाली, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, तुम पूरे शहर को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं बना सकते। यह कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे दुकान में घुसा है तो यह तुम्हारा ही तो है। इस पर तेनाली राम हंसा और बोला, श्रीमान, फिर तो यह कुत्ता आपका मालिक है। यह सुनकर दुकानदार का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा? यह कुत्ता मेरा मालिक कैसे हो सकता है? तेनाली ने शांतिपूर्वक समझाया, देखिए श्रीमान, यह कुत्ता मेरे पीछे पीछे दुकान में घुसा तो आपने मुझे इसका मालिक जाना। अब आप इस कुत्ते के पीछे दुकान में घुसे तो यह कुत्ता आपका मालिक हुआ कि नहीं? सीधा सा हिसाब कहिए, समझ में आया? अब दुकानदार को अपनी गलती समझ में आ गई। तेनाली की इस बात पर उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। गर्दन झुकाकर वह सिर्फ इतना ही बोल पाया, ठीक है भाई, माफ करना, मैं गलत समझ बैठा। यह कहकर उसने मिठाई के कुछ टुकड़े दुकान के बाहर फेंक दिए। वह कुत्ता झट से दुकान के बाहर भाग गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।